This program is sponsored by Rabindranath Tagore University, Bhopal and ISEC Group University. नमस्कार, विभाग बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ सिंधिया समर्थक और शिवराज विरोधी भाजपा नेता लामबंद हो रहे हैं, वहीं शिवराज कैबिनेट के सिंधिया खेमे के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जिस तरह से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के खिलाफ मोर्चा खोला, वो ये बताता है कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही किस कदर हावी है। मुख्यमंत्री जिन इकबाल सिंह बैस को सबसे उत्तम अधिकारी मानते हैं, उन्हें उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री ने निरंकुश प्रशासक कह दिया है। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा यह मुख्यमंत्री पद के लिए उठापटक की खिचड़ी पक रही है। उस समय राज्य सरकार सकते में आ गई जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी अफसर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को सिंधिया खेमे के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने निरंकुश कह दिया। शिवपुरी में बिना पूछे हुए थाना प्रभारियों के तबादलों और गुना जिले में सही प्रोटोकॉल नहीं मिलने से महेंद्र सिंह सिसोदिया आवेश में थे। उन्होंने शिवपुरी कलेक्टर को पत्र लिखकर एसपी पर कार्रवाई प्रस्तावित करने की भी बात कही। सिसोदिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तो तारीफ की और कहा सीएम अच्छे हैं, लेकिन मुख्य सचिव बैस जैसे अधिकारी के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। इतना निरंकुश प्रशासक और पूरा निरंकुश प्रशासन, इस निरंकुशता का आधार मुख्य सचिव हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नाराजगी मुख्य सचिव को लेकर है और हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारी पार्टी और संगठन के साथ काम नहीं करता, जो डुप्लीकेसी के साथ काम करते हैं, वही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। सिसोदिया यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसे सीएस हैं जो मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते। सिसोदिया की ये बात सुलह में सच भी है। एक दर्जन मंत्रियों की ये शिकायत है कि हर काम में बैस अपनी मनमानी करते हैं, उन्हें मंत्रियों के फोन उठाने तक में दिक्कत होती है। भाजपा संगठन के तमाम नेताओं को भी ये शिकायत है, लेकिन इकबाल सिंह बैस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेहद करीबी और उनके खास हैं, इसलिए उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती। पहले सुनिए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने क्या कहा। तो देशवासियों का सौभाग्य हम सबको शिवराज सिंह जैसा व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च मुख्यमंत्री हैं और सदा बने रहे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। किंतु मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि शायद उनसे ऐसा कोई डर हो, मगर मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी जो जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता अगर मैं किसी को इसका मैं आधार बनाता हूँ तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को ही बनाता हूँ कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री होने के बाद शासन निरंकुश को है, ये हमारा मुख्य सचिव भी बता सकते। मेरी नाराजगी हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारे पार्टी संगठन के साथ नहीं काम, जो डुप्लीकेसी से काम करता है वही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। और हमारा सौभाग्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसा व्यक्ति हमको प्रदेश का मुख्यमंत्री। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफ की तो दूसरी तरफ शिवराज के सबसे करीबी अधिकारी पर वार किया। इसका अर्थ साफ है, वे एक तरह से सरकार के मुखिया शिवराज सिंह को बचाते हुए उन्हीं को चुनौती दे रहे थे। ये सिंधिया खेमे के मंत्रियों का एक खास पॉलिटिकल स्टाइल है। आपको याद होगा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब भी सिंधिया खेमे के मंत्री उन पर इसी तरह आक्रमण करके घेरने की कोशिश करते थे, जैसी इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर हो रही है। तब प्रत्यक्ष आक्रमण दिग्विजय सिंह पर होता था, तो अब इकबाल सिंह बैस पर है। पंचायत मंत्री के बयान और शिवपुरी कलेक्टर को लिखी चिट्ठी सामने आने के बाद कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा तक ने कहा कि मध्य प्रदेश के सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर प्रशासन को निरंकुश बता रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्री के बने रहने की कामना भी कर रहे हैं। मामला भारी गड़बड़ है। प्रदेश की भाजपा की राजनीति में भारी उठापटक के संकेत की खिचड़ी पकती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री सिसोदिया जी का मुख्य सचिव द्वारा फोन न उठाना और लगातार मंत्री राजनेताओं और जनता के प्रतिनिधियों का नौकरशाही द्वारा अपमान करना, ये मध्य प्रदेश में आम बात हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि निरंकुश नौकरशाही पर लगाम लगाएं और अगर
लगाम नहीं लगती इस तरह की, तो कहीं ना कहीं नौकरशाही का अगर कार्रवाई नहीं होती कहीं ना कहीं आपका संरक्षण प्राप्त है, अन्यथा शासन के आदेशों की निर्देशों की शासकीय अधिकारी और कर्मचारी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और उन पर कार्रवाई न होना एक खेदजनक है। मैं सिसोदिया जी कहना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराकर जो आपने पाप किया है तो आपको इस प्रकार के दिन देखने ही पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का एक पत्र सामने आया, एक उनका बयान सामने आया जिसके अंदर वो प्रदेश के मुख्य सचिव को निरंकुश बता रहे हैं, प्रशासन को निरंकुश बता रहे हैं, अधिकारियों को डरा दबा बता रहे हैं, साथ ही वो कलेक्टर को एसपी के ऊपर कार्रवाई के लिए पत्र लिख रहे हैं। अब मंत्री जी के सामान्य ज्ञान पे हंसी तो आ रही कि अब एसपी के ऊपर कलेक्टर कैसे कार्रवाई करेंगे। ये सारा मामला कहीं ना कहीं ट्रांसफर से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है और यह कहीं ना कहीं शिवपुरी जिले में वर्चस्व के रूप में सामने आ रहा है। यह पूरा मामला बुआ भतीजे की लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है, ग्वालियर क्षेत्र में कब्जे को लेकर सामने आ रहा है, बिकाऊ टिकाऊ में संघर्ष के रूप में आ रहा है और कहीं ना कहीं जो सत्ता परिवर्तन का संकेत मध्य प्रदेश में दिख रहा है यह उसकी लड़ाई के रूप में सामने आ रहा है। शिवपुरी जिले पे वर्चस्व को लेकर सारी लड़ाई सामने आ रही, बुआ का वर्चस्व है, भतीजे चाहते हैं कि उनका वर्चस्व हो, इसलिए अपने समर्थक मंत्री को आगे करके इस तरह के बयान दिलाए जा रहे हैं ताकि वर्चस्व भतीजे का बना रहे, लेकिन वर्चस्व बुआ का है वो उनको सहन नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो ग्वालियर क्षेत्र के अंदर जो हमने अभी देखा कि महापौर चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई, जहां प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं श्रीमंत की जो अवहेलना की गई उनकी सुनवाई नहीं की गई, ना महापौर प्रत्याशी से लेकर पार्षद प्रत्याशियों में, और जो बुरी हार हुई ये उसकी लड़ाई के रूप में भी ये इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की सुखबुगाड़ चल रही उसको लेके भी अभी से सभी गुटबाजी जो चरम पर हो गई है, सबने कमर कस ली और सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता की बागडोर उनके हाथ में हो, यह बयानबाजी ऐसा लग रहा है उसके कारण सामने आ रही। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि भाजपा की राजनीति में एक बड़ी उठापटक का संकेत इस तरह के बयान और इस तरह के पत्र और इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा घमासान होने वाला है और मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक बगावत के संकेत ये बयान के रूप में सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सत्ता के गलियारों में सिंधिया समर्थक इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि 2023 के चुनाव से पहले महाराज मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उसके बाद सिंधिया समर्थक मंत्री द्वारा अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव को सार्वजनिक तौर पर निरंकुश कहना ये दर्शाता है कि सिंधिया समर्थक एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कमलनाथ के समय की थी। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से बहुत नजदीकियां चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है सिंधिया अपनी ताजपोशी से पहले भाजपा के दिग्गज नेताओं को अपने विश्वास में लेना चाहते हैं, उनमें कैलाश विजयवर्गीय भी प्रमुख हैं। हालांकि एमपी में जब मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की चर्चा होती है तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी प्रमुखता से सामने आता है। सिंधिया समर्थकों की माने तो सिंधिया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे और कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो सकते हैं। सरकार में फेरबदल की सिर्फ हवा चली कि 5 मंत्रियों के दिल्ली फेरे पड़ गए हैं। ये 5 मंत्री किसी खास मकसद से दिल्ली परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं सिंधिया समर्थक मंत्री भी तेज गति से भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत राम शराय लेकर अयोध्या पहुंच गए। इस सारे घटनाक्रम को जोड़ें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एमपी में एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने की राजनीतिक कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन पर जब जब राजनीतिक संकट आता है उनकी खूबी है वे अपनी सक्रियता और बढ़ा देते हैं। इस सारी उठपटक के बाद नतीजा यही निकलता है सिंधिया खेमे के सारे प्रयास फिलहाल तो विफल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनों से घिरे हुए शिवराज अब भी सिंधिया से ज्यादा मजबूत और ज्यादा लोकप्रिय हैं। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज। नमस्कार। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440 777 111.
Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।